हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी के इस नए नोटिफिकेशन के बारे में। पोस्ट का नाम है एनफोर्समेंट ऑफिसर ऑब्लिक अकाउंट ऑफिसर। देखिए, ये पोस्ट है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। इसमें वैकेंसी निकली है एनफोर्समेंट ऑफिसर ऑब्लिक अकाउंट ऑफिसर। देखिए, ये तो एनफोर्समेंट ऑफिसर की है। नीचे भी देखेंगे असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की बात करें, इस वैकेंसी आई है 418, बहुत ही बड़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इससे हम लोग जानेंगे सिलेबस में क्या रहेगा, क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। अब इसमें देखेंगे बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज के लिए कितनी वैकेंसी है। एससी के लिए 57 है, एसटी के लिए 28 है, ओबीसी के लिए 78 है, डब्ल्यूएस के लिए 51 है, अनरिजर्व के लिए 204 है। अब इसमें जो ब्रेकअप है वो कैसे है, थोड़ा सा ये थोड़ा सी समझने वाली बातें हैं। बिकॉज 418 वैकेंसीज हैं, ओबीसी का 27% आरक्षण होता है, तो यहाँ पे केवल 78 वैकेंसी ओबीसी के दिखाई गई हैं, जो काफी सोचने वाली बात है। एनीवे, आगे चलते हैं। यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, इसका बहुत ज्यादा यहाँ पे उचित है नहीं। पे स्केल की बात करें, याद रखिएगा लेवल 8, इसका प्ले पे स्केल 7th जो हमारा पे कमीशन है उसके हिसाब से देखा है तो लेवल 8 में आती है। और इसमें एज लिमिट है 30 साल, मतलब 30 साल से ऊपर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अनटिल लेस आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, है ना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, बहुत सिंपल है। आप बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद ड्यूटीज की बात करें, ड्यूटीज क्या होंगी अकाउंट ऑफिसर की, इसमें ड्यूटीज बताई गई है आपको। इन्फोर्समेंट, रिकवरी, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कैश, लीगल, पेंशन, कंप्यूटर, ये सारी चीजें बेसिकली आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। ये यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है। Now, यहाँ पर फर्दर यहाँ बताया गया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। मतलब इसकी पोस्टिंग बहुत अच्छी है, यदि आप दिल्ली में रहना चाहते हैं तो यहाँ पर ये काफी अच्छी वैकेंसी है। इसके अलावा बाकी कंडीशन भी बताई गई है यहाँ पे। ईपीएफओ इज ए स्टैचुटरी बॉडी एंड सर्विस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये वाली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसी एग्जाम में कि ईपीएफओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो आपको हल्की जानकारी इसके बारे में होना चाहिए, है ना। नाउ ये दूसरी वैकेंसी यहाँ पे बताई गई, फिर ये वैकेंसी इसमें आई है 159 वैकेंसी, 159 वैकेंसी आई है। इसके लिए आई है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए। यही ईपीएफओ में एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए वैकेंसी आई है 159। देखिए, इसका पे स्केल भी काफी अच्छा है। वहां पर आपने देखा था 8th ग्रेड में है, इसमें 10th ग्रेड में होगा, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लुक ओवर हियर, यहाँ पे आप देखेंगे पे स्केल जो है इसका है लेवल 10 में। लेवल 10 पे स्केल है, पे मैट्रिक्स है एज पर 7th पे कमीशन। एज यहां पर 35 साल है, तो यहां पर एज 5 साल ज्यादा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इवनली ऐसे कैंडिडेट्स जो यूपीएससी से बाहर हो चुके हैं, जिनको यूपीएससी देने का मौका नहीं मिलेगा, वो इवनली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी में अनरोल के लिए 32 साल होती है, फिर बाकी एसएससी ओबीसी के लिए ओबीसी के लिए 3 साल का ड्यूरेशन मिलता है, एसएससी के लिए 5 साल का। लेकिन यहां पर देखिए 35 साल बाग है अनरिजर्व के लिए, तो बाकी लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम डिग्री चाहिए आपको, केवल ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है लेकिन एसएससी क्वालिफिकेशन में नहीं आता। नाउ आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। कुछ चीजें जो इसमें बताई गई है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हेडक्वार्टर इसमें भी न्यू दिल्ली है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, मतलब आपको न्यू दिल्ली में सर्विस करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे बेसिकली 25 फरवरी 2023 से, मतलब फॉर्म भरने ऑलरेडी शुरू हो गए हैं और ये फॉर्म भरे जा सकते हैं 17th मार्च 2023 तक। अब देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखना कि इसमें फर्दर लिखा रहता है कि ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपको 17 मार्च 2023 के पहले का बनाना चाहिए। हालांकि फॉर्म ही तब तक आप फिल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको 17 मार्च 2023 के पहले का ही फॉर्म होना चाहिए। बाकी चीजें यहाँ पर लिखी गई है, लेट मी शो दिस वन टू यू। यहाँ पर एज रिलेशन की बात करें तो एसएससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज रिलेशन मिलेगा, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलेशन दिया गया है। और यहाँ पर लिखा है एज लिमिट इज ऑल्सो रिलैक्सेबल फॉर एम्प्लॉइज ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यदि आप ईपीएफओ डिपार्टमेंट के ही हैं तो आपको 5 साल तक का एज रिलेशन दिया जाएगा, है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर प्रोबेशन की बात करें, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद में आपको कंटिन्यू किया जाएगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। इसके बाद आगे चलते हैं, सिलेबस क्या होगा, सिलेबस के बारे में दिखाया गया है। तो पहले यहाँ पे दिखाया गया एनफोर्समेंट ऑफिसर का सिलेबस क्या होगा, उसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर का भी सिलेबस यहाँ पे दिखाया गया है। नाउ लुक ओवर हियर, स्कीम जो है एनफोर्समेंट ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर आपको बताया गया 2 घंटे का पेपर होगा। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और पेनल्टी होगी, निगेटिव मार्किंग मतलब प्रॉपर तरीके से होगी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है।
वन थर्ड ऑफ द मार्क्स असाइंड टू दैट क्वेश्चन, जैसे यूपीएससी में होता है वैसे सेम सेम यहाँ पे चलेगा। सिलेबस की बात करें, सिलेबस में ये सिलेबस आपके सामने ब्रेकअप दिया गया है, लुक ओवर हियर। जनरल इंग्लिश है, इसमें आपको जो बेसिक इंडियन लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में कितना आपका कमांड है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आपका, इंडियन हिस्ट्री हो गया, करंट इवेंट्स, डेवलपमेंट इश्यूज, इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यही चीजें थोड़ी आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, ये आपको थोड़ी अलग पढ़ना पड़ेगा। तो ये दो टॉपिक जो है यूपीएससी की तैयारी करने वालों को ये दो टॉपिक अलग से पढ़ने पड़ेंगे, है ना। इसके बाद जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑलरेडी आप पढ़ते आए हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये तो बेसिक है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, तो जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो सोशल सिक्योरिटी ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो वो चीजें वहां से कवर हो जाएंगी। बस आपको ये दो टॉपिक जो है आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, जिसको यहाँ पे दिखाया गया है। वन इज जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। इसके बाद देखिए तो वेटेज क्या रहेगा, इंटरव्यू और रिटर्न का जो वेटेज बताया गया है 75:25, मतलब 75% रिटर्न का रहेगा, 25% इंटरव्यूज के रहेंगे। तो इस हिसाब से बेसिकली आपका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की हम बात करें तो यहां पर स्कीम बताई गई है, 2 घंटे, सेम सिस्टम है, 2 घंटे पेपर चलेगा, ऑब्जेक्टिव नेगेटिव मार्किंग होगी प्रॉपर तरीके। सिलेबस की बात करें, यहाँ पर सिलेबस थोड़ा सा अलग है, जनरल इंग्लिश सेम है, इसमें आपकी बेसिक जनरल इंग्लिश चेक की जाएगी। इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स, तो यहाँ पर देखा है तो फ्रीडम स्ट्रगल वहाँ पे था, इसमें कल्चर भी ऐड कर दिया है। पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, थोड़ा इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इकोनॉमी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब देखिए बाकी टॉपिक तो आप ऑलरेडी पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर ये नया टॉपिक है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, इंश्योरेंस। फिर है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस आप पढ़ते आए हो, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सारी पढ़ते हो। स्टैटिस्टिक्स थोड़ी हम लोग कम पढ़ते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स भी आएगा आपके एग्जाम में। सोशल सिक्योरिटी इंडिया, ये तो मेंस में ऑलरेडी आप पढ़ते हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक ऐसा है जिसको आपको अलग से पढ़ना है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज एंड इंश्योरेंस। ये बेसिक टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। वेटेज सेम है, 75:25, मतलब रिटर्न का वेटेज 75% है, इंटरव्यू का वेटेज 25% है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और चीजें बताई गई हैं, रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है कहाँ कहाँ पे कराया जाएगा, तो ये बहुत बेसिक है, ये तो आप लोग जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे कुछ और छोटी छोटी चीजें जो हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइक वाइज लुक एट हियर, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जिसको आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी इंटरव्यूज, मतलब आपको यहाँ पर इतने नंबर स्कोर करने ही पड़ेंगे इंटरव्यूज में। जैसे अंदर की बात करें, 50 नंबर स्कोर करना पड़ेगा 100 में, ओबीसी को 45 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, एससी एसटी पीएस कैंडिडेट्स को 40 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, ये यहाँ पे कंपलसरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंटरव्यूज में कम से कम इतने मार्क्स आपको स्कोर करने ही पड़ेंगे, मतलब इंटरव्यूज में भी यहाँ पर मिनिमम मार्क्स की जो क्राइटेरिया है उसको यहाँ पर रखा गया है, है ना। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी और चीजें नहीं बताई गई हैं। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में मॉडिफिकेशन, जॉब फॉर्म फिल करेंगे उसमें मॉडिफिकेशन डेट दी है 18 मार्च से लेकर 24 मार्च 2023 के बीच में, आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं जो कि 18 लास्ट डेट है। तो 18 से 24 मार्च तक यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में मॉडिफाई भी कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे बोला गया है प्रॉपर तरीके से कि जो एक्सपीरियंस है आपका वो भी यहाँ पर काउंट किया जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। तो एक और इन्फॉर्मेशन लिखा है, द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस रेंडर्ड बाई कैंडिडेट ऑन पार्ट टाइम बेसिस, या पार्ट टाइम जॉब करते रहे या डेली बेस काम करते रहे या वेस्टिंग गेस्ट फैकल्टी में काम करते रहे हैं, तो ये बेसिकली काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब आपको परमानेंट होना होगा तभी जाकर वो शॉर्ट लिस्टिंग में काउंट किया जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज, अभी चीज जरूर यहाँ पर है कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। यहाँ पर जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस के नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ था कि इस दिन के पहले का नहीं होना चाहिए, सब चीजें लिखा हुआ था, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ लिखा है एस एस टी ओबीसी का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट एक प्रॉपर प्रोफॉर्मा में होना चाहिए, कैंडिडेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनके द्वारा इशू किया जाना चाहिए। किसके द्वारा इशू किया जाना चाहिए ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, यदि आपको देखना है तो यहाँ पे आई बटन में आप क्लिक करके देख लीजिएगा कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट कम से कम किसके द्वारा इशू किया जाना चाहिए, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई है ना। तो ये रहा डिस्कशन इसके बारे में, आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है लर्न सर्विसेज, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, है ना। तो चलो डिस्कशन को बीच में वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, साथ में लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल नाइट, कीप मूविंग फॉरवर्ड, टेक केयर।